बिहार में अपराधियों के हौसले बढ़ते जा रहे हैं और उनके जहन से पुलिस का डर लगभग खत्म हो गया है। इसका पता सिवान में हुए वारदात से चलता है, जहां सिवान के बीजेपी विधायक के प्रेस प्रवक्ता श्रीकांत भारतीय की गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह घटना रविवार रात की है, जब श्रीकांत एक शादी समारोह में से शिरकत करके अपने घर लौट रहे थे। साथ ही मृतक के दोस्त के मुताबिक कृष्णा सिनेमा रोड के पास एक बाइक पर सवार दो अपराधियों ने उन्हें ओवरटेक किया और गोली मार दी और फिर से फरार हो गए। वहीं गोली लगने के बाद स्थानीय लोगों ने उन्हें सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया और जिसके बाद रात को ही उनके परिजन उनके शव को अपने घर ले गए, जहां फिलहाल पुलिस उनके शव का पोस्टमार्टम करने के लिए परिजनों को मनाने में भी लगी है। वहीं पुलिस की माने तो अभी मामले की जांच चल रही है और अज्ञात अपराधियों को पकड़ने की कोशिश कर रही है। मेरे नेता भी हाथ में जाते थे, हम लोग गीतांजलि में नेता करने गए, नेता लिखवाए, खाना खाए, उसके बाद नीचे उतर गए, पान खाए और उसके बाद हम लोग ओवर भी होते हुए मतलब कृष्णा सिनेमा घर आ रहे थे। कृष्णा सिनेमा के पास तेजी की गाड़ी आई, तेजी के पीछे के बाइक आई और गोली चली और फिर घर भारतीय जी को लगा, वो गिर गए, हम गिर गए और दो ही अपराधी थे, दो लोग बाइक से, बाइक दो ही लोग शादी की पार्टी से आ रहे थे कि पानी जी होटल से रेलवे स्टेशन का सामने जो है और ये के साथ एक आदमी और सब पीछे बैठे हुए अपने मोटरसाइकिल चला रहे थे। हर पब्लिक के पास पीछे से एक मोटरसाइकिल पैरालेल चलते हुए चलते गाड़ी में।